जी बेटा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, और इसमें मैं आपको बात बता रही थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रूट उनको अब्जॉर्ब कैसे करती है, और सॉइल में इनकी अवेलेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं उनकी अवेलेबिलिटी को. मैं एक मिनट. ओके बेटा, सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है सॉइल में, उस पर चीज जो मेजरली इफेक्ट करती है वो है सॉइल की पीएच. और पीएच को अगर आप देखें तो 5.5 से लेकर 6.5 की जो पीएच है इसको कहा जाता है कि ये ऐसी पीएच है कि जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की आप कह लें कि जो ग्रोथ है, जर्मिनेशन है, उसको ये फेवर करती है. ये पीएच क्यों फेवर करती है ये मैं आपको अगली डायग्राम में दिखाती हूँ कि इसकी रीजन क्या है. नॉर्मली जो एसिडिक सॉयल्स होती हैं उनमें जो फंजाई होती है वो ज्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि एसिडिक सॉयल्स जो हैं वो फंजाई को ज्यादा सपोर्ट करती है, फंजाई उनमें आराम से ग्रो कर सकती है. इसी तरीके से जो अल्कलाइन सॉयल्स होती हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. सॉल्ट अगर किसी से उसमें ज्यादा है या बेसिक सॉयल है तो उसके अंदर बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं, और एसिडिक सॉयल में फंजाई आराम से ग्रो कर सकते हैं. सॉइल पीएच आल्सो डिटरमिन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैं डायग्राम में दिखाऊंगी. एसिडिटी जो है, अगर कोई कोई सॉइल एसिडिक है इन नेचर, तो एक्चुअली वो प्रमोट करती है विदरिंग ऑफ द रॉक्स को, और जब विदरिंग ऑफ द रॉक्स को प्रमोट होगा तो उसमें से रिलीज होंगे पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैगनीज, और इसी तरीके से कार्बोनेट, सल्फेट्स और फॉस्फेट्स जो है एसिडिक सॉइल में उनकी सोलबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है. इसी तरीके से इंक्रीजिंग द सोलबिलिटी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स विल फैसिलिटेट द देयर अवेलेबिलिटी टू द रूट्स. एंड मेजर फैक्टर जो कि सॉइल की पीएच को आप कह लें कि चेंज कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, आर द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल. क्योंकि रेनफॉल आएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को लीच डाउन करवा देगा, तो टॉप सॉइल में अगर कोई चीज मौजूद नहीं रहेगी तो प्लांट को उसको एक्सेस करना, आप कहने के उसको एक्वायर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. लेकिन और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कल भी हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है इसकी जब डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो एक्चुअली ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जो है वो देता है प्लांट की रूट को, बल्कि उसके साथ साथ ये सॉइल की स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाता है, उसमें उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है. तो इस लिहाज से ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो और इसके साथ साथ रेनफॉल रेनफॉल कम कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है आप कह सकते हैं कि वो बढ़ा देता है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इन द टॉप सॉइल.
जी बेटा, ये डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी पीएच पे मैक्सिमली अवेलेबल होगा और कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी पीएच पे जो है वो है कम अवेलेबल होगा। तो जैसा कि आप कोई भी फिगर देखते हो, कोई डायग्राम देखते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी वो ब्रॉड होगी, या वैसे मेरे ख्याल आपका आप इतनी ज्यादा ग्राफ्स देख चुके हैं कि इसको समझना मुश्किल नहीं है कि जितना कोई स्ट्रिप जो है वो ब्रॉड है उतनी ही उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है या उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जहां से वो नैरो है स्ट्रिप, क्योंकि ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में है ना, ये इस तरीके से बनाया है कि स्ट्रिप्स बनाई हुई है, तो जितनी कोई ब्रॉड है उतनी उसकी उसके अंदर ज्यादा उस चीज की कंसेंट्रेशन है, और जिसकी जितनी कम है नैरो है उसका मतलब उसकी कंसेंट्रेशन कम है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर हम पहले ही नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो एट 4 pH यू कैन सी कि ये शार्प है, ये इसकी इतनी ब्रॉड नहीं है। इसका मतलब है कि 4 pH 4.5 में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 5.5 पॉइंट तक बेहतर है, और उसके बाद 5 से ऊपर से लेकर और तकरीबन 8 pH तक, बल्कि 8 से भी ज्यादा आप कह लें कि 8.5 तक नाइट्रोजन जो है ये अवेलेबल रहती है इनटू द सॉइल, अगर सॉइल की पीएच जो है 5 से लेकर 8.5 है। तो उससे कम करेंगे तो इसकी मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से फॉस्फोरस को देखें, तो ये भी नाइट्रोजन की ही तरह 5 से जो है इसकी बेहतर कंसंट्रेशन हमें दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत ही जल्द यानी कि 6.5 पे लेकर ये शार्प होना शुरू हो जाती है, इसकी जो स्ट्रिप है वो शार्प होना शुरू हो गई, इट मींस कि ये सॉइल में अवेलेबल नहीं रहती। पोटासियम भी नाइट्रोजन की तरह है, लेकिन नाइट्रोजन से पहले ही इसकी स्ट्रिप जो है वो शार्प हो जाती है। इसी तरह सल्फर जो है ये सिर्फ लो पीएच पे अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज बाकी सारी 4.5 से ऑनवर्ड ये पूरी जो रेंज है, अमूमन जितनी सॉइल की रेंज होती है पीएच की, उसमें ये मौजूद है, ये मौजूद रहता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम को देखें, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है, ये 4.5 से लेकर और आपको मिलता है 6.5 में बेटर मिलता है। इसी तरीके से आयरन जो है ये भी 4.5 से थोड़ा बढ़ना शुरू होता है और तकरीबन 7 तक इसकी बेहतर कंसंट्रेशन जो है वो सॉइल में मिलती है। मैंगनीज बहुत ही ड्रास्टिक जो है अपना वो दिखा रहा है, एट हाई कंसंट्रेशन आप सॉरी एट हाई पीएच ये अवेलेबल है, और जो सेंटर वाली पीएच की रेंज है 6.5 से लेकर तकरीबन 8 तक जो है ये अवेलेबल नहीं होता। उसके बरक्स इसको अगर आप लो पीएच पे देखें तो इट इज हाईली अवेलेबल। उसके बाद बोरोन की भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है, लेकिन इसकी भी शार्प पीक्स हैं, एक आप कहने के लेंथ शेप बना हुआ है कि 5 से लेकर और तकरीबन 6 तक ये आपको बेहतर क्वांटिटी में मिलता है। सेम इज द केस विद कॉपर, लेकिन इसकी कमी हो जाती है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होता ये, ठीक है, लाइक मैगनीज खत्म नहीं होता ये। जिंक का भी कॉपर जैसा
मुझे बताना नहीं था कि मैं चली गई हूँ, मैम आपको कॉल भी की थी, टेक्स्ट भी किया था। पता नहीं ना तो मुझे कॉल आया ना ही मुझे टेक्स्ट आया। मैम बिजी जा रहा था आपका नंबर। मैम मैंने भी आपको टेक्स्ट किया था। ओके पता नहीं फिर मुझे बेटा वो रिसीव नहीं हुआ टेक्स्ट। मैं खुद ही मैंने पूछा है, मैंने कहा कहीं मेरे आप लोगों की कोई आगे से जवाब सवाल कुछ भी नहीं आ रहे, वो तो खैर पहले भी नहीं होते, तो मैंने कहा आवाज नहीं आ रही तो मैं पूछ लूं कि कहीं चली तो नहीं गई मेरे नेट। हालांकि नेट की कनेक्शन तो ठीक है, बजाय तो कुछ भी खराब नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं। अच्छा तो कहाँ पे थे हम जब हमारा ये डिस्कनेक्ट हुआ? हेलो मैम, अभी आप तब ना जिंक का बता रही थी, वो जो आपने ग्राफ हमें दिखाया था ना। मैं उसके बाद बहुत कुछ बता गई हूँ। अच्छा चलो जी बेटा, मैं बात कर रही थी कि हम क्यों कहते हैं कि 5.5 से लेकर 6.5 की जो रेंज है पीएच की वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि वो इसीलिए है क्योंकि ये वो यही वो रेंज है कि जिसमें मैक्सिमली जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैगनीज, ये सब के सब इस रेंज में देखें 5.5 से लेकर 6.5 का सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है। दैट इज व्हाई ये नॉर्मल स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अब स्क्रीन शो नहीं हो रही, शुक्र है ये भी टाइम पे बता दिया। यार मैं 2-3 स्लाइड्स पढ़ा चुकी थी उसके बाद। जी अब हो रही बेटा? जी मैम। यस मैम। ओके बेटा, हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि 5.5 से लेकर 6.5 की रेंज में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैक्सिमली अवेलेबल होते हैं। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि देखें जरा 5.5 से लेकर 6.5 की जो रेंज है इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जबकि बाकी रेंजेस में किसी में कोई नहीं है और किसी में कोई नहीं है। बाकी रेंजेस में पीएच की जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई 5.5 से 6.5 की जो रेंज है पीएच की, इसको कहा जाता है कि ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को ये फेवर करती है। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि एक्सट्रीम को इसमें हम शामिल नहीं कर रहे, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि आप कह लें कि बेसिक सॉइल को लव करते हैं या अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं, और तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भी इस कैटेगरी में डाल दें, या फिर ऐसे जो कि हाईली एसिडिक पीएच पे जो है वो ग्रो करते हैं, तो हम एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल जो प्लांट्स हैं यानी कि नॉर्मल रेंज जो है वो प्लांट की, वो बेसिकली 5.5 से 6.5 की रेंज में पीएच की रेंज ऑफ द सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है पीएच की ऑफ द सॉइल वो 5.5 से 6.5 यानी कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल ग्रोथ को फेवर करती है। इसके बाद बेटा मैंने बताया कि जो पीएच की जो सॉइल की जो पीएच है ये कैसे रेगुलेट होती है, तो तीन मैंने मैकेनिज्म इसमें बताए हुए हैं। एक कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉइल में मौजूद होती है तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड एसिडिक इन नेचर है, इसके साथ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन आयन की वजह से पीएच जो है वो लो हो जाती है सॉइल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉइल में होगा तो वो पीएच को लो कर देगा। देन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जब होती है तो वो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के दौरान अमोनिया प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया ये दोनों ही जब वाटर के साथ मिलते हैं तो स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि अमोनिया जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बना देता है, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइज जब होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो दोनों ही आप जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड है, तो ये भी पीएच को लो करने का बाइस होंगे सॉइल में। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन जो है ये अगर सॉइल के अंदर ज्यादा होगा तो ये डिस्प्लेस कर सकता है पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैगनीज को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, फार मोर इम्पोर्टेंट आयन्स हैं आप कह लें कि हाइड्रोजन से, लेकिन ये इनको डिस्प्लेस कर देता है। कैसे डिस्प्लेस करता है ये आगे इसका मैकेनिज्म दिखाया हुआ है कि इस तरीके से क्ले पार्टिकल्स के साथ जो इम्पोर्टेंट आप कह लें कि आयन्स जो है जिनमें कैल्शियम की एग्जाम्पल भी ये लगा होता है,
ये हाइड्रोजन उसकी जगह खुद ले लेता है, उसको डिस्प्लेस कर लेता है, और खुद जो जो है इसके साथ क्ले पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाएगा और कैल्शियम को ये फ्री कर देगा. तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी कि कैटाइन जो है एक कैटाइन दूसरे कैटाइन को या एक आयन दूसरे आयन को एक्सचेंज कर रहा है विद इन द सॉइल पार्टिकल, ऑन द सॉइल पार्टिकल. दैट्स वाई दो दो फायदे हैं इसके. एक तो फायदा ये है कि जो आयन है वो फ्री हालत में आ गया है, सॉइल में अवेलेबल है नाउ. लेकिन दूसरा नुकसान भी है इसका, वो ये कि अगर ये फ्री हालत में आ जाएगा तो फिर इसके लीच डाउन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. तो सॉइल यानी टॉप सॉइल में ये अवेलेबल नहीं रहेगा. इसके बाद एक और मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, जो ये तीन मैंने आपको बताया जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने का या एसिडिक सॉइल को बनाने का बाइस है, कार्बन डाइऑक्साइड, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोजन आयन एक्ट एज एज डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट. और उसके बाद जो विदरिंग ऑफ द रॉक्स, ये इन कंट्रास्ट जो है ये पीएच को बढ़ा सकती हैं. किस तरीके से, कि जब विदरिंग ऑफ द रॉक्स होती है तो उसमें से कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, मैगनीज वगैरह रिलीज होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटाइन्स है. लेकिन इसके साथ अगर यही विदरिंग ऑफ द रॉक्स जो है वो एरिड रीजन में हो रही है जहाँ पे रेनफॉल कम है, तो ये जो आयंस हैं ये ट्रैप हो जाएंगे इन द अपर सॉयल और लीच डाउन नहीं होंगे. तो जितनी देर ये ज्यादा देर तक अगर सॉइल की अपर लेयर में रहेंगे तो उसको ये अल्कलाइन बना देंगे. तो ऐसी सॉइल जहाँ पे बारिश कम होती है और विदरिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से आयंस वहां पर रिलीज होते हैं, तो वो सॉइल जो है फिर वो अल्कलाइन इन नेचर होगी, जैसा कि एरिड एरियाज की सॉइल होती है. जी बेटा, अभी आप मेरे साथ हैं? यस मैम. यस मैम. यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा, सीईसी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को आप इस तरीके से भी एलैबोरेट कर सकते हैं. सेकंड डायग्राम जो देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाइड्रोजन के रेफरेंस से. इसी तरीके से कोई भी और कैटाइन दूसरे कैटाइन को डिस्प्लेस कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है. जैसे सॉइल सॉल्यूशन में अगर एल्युमिनियम है, पोटासियम है, हाइड्रोजन है, तो ये सॉइल पार्टिकल के साथ या ऑर्गेनिक कोलाइड के साथ अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम मौजूद है तो ये उसको डिस्प्लेस कर सकता है लाइक दिस, कि खुद उनकी जगह ले लेंगे और इनको जो है वो यहाँ ले जाएंगे. अब अगर अगर आप इसकी आफ्टर एक्सचेंज के बाद अगर आप इसकी देखें तो एल्युमिनियम भी इतना फायदेमंद नहीं है प्लांट के लिए, हाइड्रोजन भी इतना फायदेमंद नहीं है जितना कि मैग्नीशियम और कैल्शियम थे, इवन सोडियम भी बेहतर था इनसे, ठीक है. लेकिन इसके बदले में इन रिटर्न क्या मिल रहा है? पोटासियम जो है वो बाउंड हो रहा है, तो वो फिर अपर सॉइल में ट्रैप रहेगा. और कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की भी प्लांट की सॉरी सॉइल की जो है वो पीएच को बनाने या पीएच को कह लें कि एक करेक्टर है सॉइल का, जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि आया सॉइल किस नेचर की है या वहां पे किस तरह की प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं. तो जब हम बताते हैं ना किसी को कि जी सॉइल कैसी है, तो उसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं, उसके अंदर कितना लोम है, कितना उसके अंदर क्ले है, कितना उसके अंदर आप कह लें कि सिल्ट है, ये तो बताते ही हैं. वो तो उसकी उसकी सॉइल पार्टिकल्स के साइज है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उसमें उसकी पीएच को देख के, उसकी ईसी को देख के, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को देखते हुए भी सॉइल के करेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं फॉर द प्लांट. देन यहां तक हमने बात की है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनको सॉइल के अंदर सॉइल की पीएच जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है. Now, what are the different areas of the root जो कि आयंस को अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आपको रूट की एनाटॉमी याद है तो रूट के ऊपर रूट हेयर्स भी हैं, रूट की टिप भी है, और रूट के मेच्योर जोन भी है, रूट का जो टिप जो है उससे उससे रिलेटेड जो उसका जो एडजेसेंट जोन है वो उसका आप कह लें कि यंग ग्रोइंग आप उसको कह लें कि टिश्यू भी है. तो विच रीजन और विच एरिया ऑफ द रूट is more important to take which ion? इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए मैं चाहूंगी पहले मैं आपको उसकी डायग्राम पे ले जाऊं. जी बेटा, तो इसके रिकॉल कर लें जरा अपनी नॉलेज को जो आपके पास होगा अबाउट द रूट एनाटॉमी, कि आपके पास जो रूट होती है ये उसको आपके तीन हिस्सों में या तीन जोन में आप डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले जो रूट का हिस्सा बनता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूट आगे जो है मूव करती चली जाती है, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसका मेच्योर जोन
जो कि स्टेम के साथ होता है, मेच्योर जोन में सॉइल के साथ बिल्कुल साथ होता है, अपर सरफेस के साथ, दैट इज मेच्योर जोन। और उसके बाद जो हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं इलोंगेटेड जोन या इलोंगेशन जोन, और उसके बाद जो उसके टिप है उसको हम कहते हैं मेरिस्टिमेटिक जोन, क्योंकि इसके अंदर ही मेरिस्टिमेटिक सेल्स होते हैं या ग्रोइंग रीजन होता है इसका। ओके, नाउ यू कैन सी दैट रूट हेयर्स आर प्रेजेंट मोर ऑन द मैच्योरेशन जोन, ये इलोंगेशन जोन में या मेरिस्टिमेटिक जोन में नहीं होते, ये मेच्योर जोन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज फिर दोबारा से रिकॉल कर लें इसकी एनाटॉमी को। सबसे पहले आपके पास एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके एक्सटेंशन जो है रूट हेयर्स बना रहे हैं, फिर आपके पास कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, फिर आपके पास जो है एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के साथ फिर आपके पास जाइलम है, फ्लोएम है, फ्लोएम को ब्लू से जाहिर किया हुआ है, जाइलम जो है वो सेंटर में ही दिखाया हुआ पिंक कलर के। देन अगर आप ग्रोइंग रीजन यानी के मेरिस्टमेटिक रीजन की बात करें तो आप यहाँ देखिएगा ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रैपिड सेल डिवीजन, मेरिस्टमेटिक रीजन जो है उसका, और इसके साथ ही वो हिस्सा भी होता है जिसको जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे डिवीजन ज्यादा नहीं होती, और क्यूसेंट जोन इसको कहा जाता है, ये वो हिस्सा है। फिर इसकी रूट की जो टिप है कैप जिसको हम बोलते हैं रूट कैप, और रूट कैप के बाहर जो हिस्सा होता है जो कि सॉइल में होता है, म्यूसिजल शीट होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है रूट कैप की। तो ये डिफरेंट हिस्से आपने रिकॉल कर लिए। अब आप देखिए कि कौन सा आयन जो है वो रूट के किस हिस्से से एक्चुअली प्लांट के रूट में एंटर होगा। क्या कोई आयन मैचुरेशन जोन से सबसे पहले एंटर होता है, या इलोंगेशन जोन से होता है, या मेरिस्टेमेटिक जोन इज मोर इम्पोर्टेंट। इस चीज की हमने डिस्कशन करनी है कि विच रीजन ऑफ द रूट इज मोर इम्पोर्टेंट टू टेक अप विच आयन। ठीक है, अच्छा, ये प्लांट टू प्लांट भी वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर नाइट्रोजन कोई एक रूट जो है किसी एक प्लांट की वो किसी मेचुरेशन जोन से फॉर एग्जाम्पल ले रही है तो दूसरे में भी वहीं से ले रही हो, ये वेरी कर सकती हैं ये चीजें। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट आयंस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट को प्रेफर कर सकते हैं, तो ये दोनों वेरिएशंस आपको मिलेंगी। तो प्रिसाइज एंट्री जहां से मिनरल्स रूट सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं, ये बहुत ही हमेशा से जो है ना आप कह लें कि मिनरल न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनके ये एक आप कह लें कि इंटरेस्ट का पॉइंट रहा है कि आया दाखिल कहाँ से होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कहाँ किस जगह से इसकी एंट्री होती है। तो सम रिसर्चर्स क्लेम दैट न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड ओनली एट द एपिकल रीजंस ऑफ द रूट एक्सिस और ब्रांचेस, एंड अदर क्लेम दैट न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड ओवर द एंटायर रूट सर्फेस। तो हमारे पास दोनों तरह के थिंक टैंक जो है वो मौजूद है। कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ जो एपिकल रीजन है, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन वाला जोन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और कुछ ऐसे ही हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मेच्योरेशन जोन से लेकर एपिकल जोन तमाम तक जितना भी रूट का हिस्सा है ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एक्सपेरिमेंट एविडेंस सपोर्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज एंड द न्यूट्रिएंट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि आप नंबर एक तो आप ये देखें कि किस प्लांट की आप बात करें, एंड नंबर टू आप ये देखें कि आप किस न्यूट्रिएंट की बात करें, क्या आप कैल्शियम की बात करें, क्या आप नाइट्रोजन की बात करें, क्या आप क्लोरीन की बात करें। तो प्लांट की स्पीशी पर डिपेंड करते हुए और न्यूट्रिएंट के टाइप पर डिपेंड करते हुए जो अब्सॉर्प्शन है उसका एरिया जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो वेरी कर सकता है। जैसा कि रूट अब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन बार्ले अपीयर्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन द एपिकल रीजन, बार्ले में कैल्शियम जो है ये एपिकल रीजन से अब्सॉर्ब होता है, और इसी तरह आयरन जो है बार्ले में ये भी कहा जाता है कि ये इसकी पूरी जो एंटायर सरफेस है, मैचुरेशन जोन, एलोंगेशन जोन, रूट टिप, इन सबसे ये एंटर होता है। और कॉर्न में जो है बार्ले और कॉर्न जो है उसमें कहते हैं कि रूट ये भी उसकी पूरी रूट एंटायर रूट सर्फेस जो है उससे होता है। तो बार्ले में आयरन जो है वो एपिकल रीजन से एंटर होता है और कॉर्न में पूरी एंटायर सर्फेस से एंटर होता है, जबकि कैल्शियम जो है वो बार्ले में वो पूरी उसकी रीजन एपिकल रीजन से होता है। तो इसका मतलब है कि बार्ले में एपिकल रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट टू अपटेक कैल्शियम एंड आयरन, जबकि कॉर्न में आयरन को अगर टेक करना है तो वो उसकी पूरी की पूरी आप कह लें कि जो सरफेस है वो इन्वॉल्व हो सकती है। ओके okay. और ये अभी मैं मैसेज आया है मैम, ये पहले के मैसेजेस आए। अच्छा, ये फिर मुझे अभी मिला है इसका, तो मेरे फिर नेट में कोई इशू होगा और नेटवर्क में भी कोई इशू होगा, दैट्स व्हाई वो नहीं हो सका। एनीहो, तो हम बात कर रहे थे कि आयरन जो है बार्ले में
आयरन और कैल्शियम ये दोनों एपिकल रीजन से एंटर होते हैं, जबकि कॉर्न में आयरन जो है वो एंटायर सरफेस से एंटर होता है। इसी तरीके से पोटासियम नाइट्रेट अमोनियम फॉस्फेट ये तमाम के तमाम जो है ये फ्री टू अब्सॉर्ब बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से ये अब्सॉर्ब हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लार्कसन इन 1985 में इसने कहा। लेकिन कॉर्न में इलोंगेशन जोन जो है वो मैक्सिमम रेट्स ऑफ पोटासियम की अकोमोलेशन के लिए मशहूर है और नाइट्रेट के अब्सॉर्प्शन के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम तमाम प्लांट्स की बात करते हैं तो रूट की एंटायर सरफेस से पोटासियम नाइट्रेट अमोनियम फॉस्फेट जो अब्सॉर्ब हो सकता है। लेकिन अगर हम टिपिकली कॉर्न की बात करें तो उसकी जो इलोंगेशन जोन है उनमें पोटासियम और नाइट्रेट ज्यादा क्वांटिटी में देखा गया। इसका मतलब है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द अब्सॉर्प्शन ऑफ दीज टू आयंस। नेक्स्ट बेटा, इसी से रिलेटेड फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि कॉर्न और राइस में रूट अपेक्स जो है दिस अब्सॉर्ब अमोनियम मोर रैपिडली देन द इलोंगेशन जोन डज एंड इन सेवरल स्पीशीज रूट हेयर्स आर द मोस्ट एक्टिव इन फॉस्फेट अब्सॉर्प्शन। अच्छा, फॉस्फेट की अब्सॉर्प्शन के लिए ना आई ऑल्सो एग्री क्योंकि वेरिएशन आर देयर, बट फॉस्फेट की अब्सॉर्प्शन के लिए आई ऑल्सो एग्री के रूट हेयर अपना पार्ट प्ले करती होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि फॉस्फेट जो है बड़ी जल्दी ये डिप्लीट हो जाता है सॉइल से, बड़ी जल्दी यहाँ से निकल जाता है, तो इसकी इसको हमेशा डालना ही पड़ता है। तो प्लांट फिर जितने भी अपने आप कहने के हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है इसको जल्दी जल्दी लेने के, तो उसमें फिर आके रूट हेयर भी उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट ही है जो कि रूट से एक्सटेंड किया हुआ होता है और ज्यादा सरफेस को कवर कर रहा होता है फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो फॉस्फेट जो है उनकी अपटेक के लिए अकॉर्डिंग टू फोसे एट ऑल ये कह रहे हैं कि रूट हेयर्स आर मोर एक्टिव फॉर द फॉस्फेट अपटेक। इसके अलावा हाई रेट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन इन एपिकल जोन रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी भी प्लांट में एपिकल रीजन से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांट ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और उसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए जो उसका एपिकल रीजन है वो जल्दी जल्दी आप करें कि न्यूट्रिएंट्स को जो है वो उसकी अपटेक करवा रहा है एंड द रिलेटिवली हाई न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सॉइल में भी वो न्यूट्रिएंट मौजूद है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई प्लांट बहुत तेजी के साथ अपने एपिकल रीजन से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रहा है तो उस तेजी से अपटेक करने के लिए सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट होंगे तो वो अपटेक करेगा ना, अगर सॉइल में नहीं होंगे तो अपटेक कैसे करेगा। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि सॉइल से जब ये अपटेक कर रहे होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स को तो अपनी जो नजदीकी जगह है ना उससे जल्दी जल्दी उन न्यूट्रिएंट्स को ये खर्च कर लेते हैं। आप ये समझे कि जो उनका जाहिर आप रूट तो एक ही जगह पे है ना बेटा, वो हर जगह तो एक्सटेंड नहीं की हुई, एक ही प्लांट की रूट की हम बात करें तो जिस जिस जगह पे उसका कांटेक्ट है और उसके नजदीक नजदीक जिसको आप इन अदर टर्म्स राइजोस्फीयर भी बोलते हैं, पता है राइजोस्फीयर का द एरिया ऑफ द सॉइल जो कि नेबरहुड में होता है सॉइल के न्यू रूट के कांटेक्ट में उसको हम कहते हैं राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर के अलावा भी जहां जहां पे उसके रूट हेयर्स एक्सटेंड कर रहे होंगे उस जगह पे क्या होगा कि वहां से वो न्यूट्रिएंट्स आराम से ले लेगा। लेकिन जब वहां से न्यूट्रिएंट्स आराम से ले लेगा तो इसका मतलब है कि वहां से खर्च भी तो हो जाएंगे ना न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट आने की फिर क्या रीजन है, वहां पे दोबारा कैसे न्यूट्रिएंट आ सकेंगे कि अगर उसके एडजेसेंट सॉइल के पास न्यूट्रिएंट ज्यादा हैं तो वहां से डिफ्यूजन के जरिए फिर वहां पे आते रहेंगे और वहां से रूट्स उनको लेती रहेगी। बट व्हाट अबाउट कि अगर सॉइल में ऑन द होल ही न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो एडजेसेंट सॉइल से तो नहीं फिर आएंगे ना, फिर इतनी तेजी से नहीं आएंगे कि वो उसकी डिमांड्स को मीट कर सके। अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो उसकी डिमांड्स को मीट कर सके, जिस तेजी के साथ प्लांट वहां से खर्च कर रहा है उसी तेजी के साथ अगर तो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा और अगर अगर न्यूट्रिएंट खर्च ज्यादा हो रहे हैं और आ कम रहे हैं साइड वाली सॉइल से तो फिर उस सूरत हाल में डिप्लीशन जोन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। देन इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं लेकिन इसमें फिर हम मेनली इस बात पे आ जाते हैं कि आया न्यूट्रिएंट अगर वाफर मिकदार में मौजूद है तो फिर क्या प्लांट उनको डिफ्यूजन के जरिए अपने अंदर लेके जाता है या उनको बल्क फ्लो के जरिए अंदर लेके जाता है। तो इसके लिए फिर बेटा कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि अगर तो प्लांट के उनका ग्रोथ रेट या वाटर का फ्लो रेट जो है वो हाई है और न्यूट्रिएंट्स भी बड़े अच्छे सी कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, वाटर फ्लो रेट हाई से क्या मुराद है कि ट्रांसपिरेशन हो रही है तेजी से, है ना, जिसकी वजह से वाटर तेजी से रूट से शूट की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर तो ट्रांसपिरेशन हो रही है, वाटर मूव कर रहा है आराम से और पानी की कोई कमी नहीं है, न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं है सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वाया बल्क फ्लो जो है वो प्लांट के रूट के अंदर एंटर होते हैं। बल्क फ्लो में पानी एंटर होगा साथ में न्यूट्रिएंट्स भी बल्क की फॉर्म में जो है वो एंटर हो जाएंगे। बट
अगर ऐसा ना हो, यानी न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो इन द एरिया और बल्क फ्लो उसको सपोर्ट फिर नहीं करेगा, फिर उस सूरत हाल में फिर डिफ्यूजन ही रह जाती है कि हाई से जाहिर है कि आउटसाइड पे हाई है कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की और इनसाइड ऑफ द रूट जो है वो कम है, और फिर क्या होगा कि आउटसाइड से इनसाइड डिफ्यूजन के जरिए होगा। लेकिन मेरे ख्याल है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बल्क फ्लो में ज्यादा फास्टली न्यूट्रिएंट जो है वो रूट के अंदर एंटर होंगे एज कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन जो कि टाइम टेकिंग होगी एज कम्पेयर टू बल्क फ्लो। ऑल्दो न्यूट्रिएंट तो मिल रहे हैं दोनों तरीकों से, लेकिन ज्यादा तेजी के साथ अगर कोई बहुत फास्टली ग्रोइंग प्लांट है तो उसको बल्क फ्लो जो है वो ज्यादा सपोर्ट करेगी, बट प्रोवाइडिंग दैट के न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में अवेलेबल भी हो। जी तो मैं बात कर रही थी कि अगर सॉइल की जो सॉइल के कांटेक्ट में जो सॉइल का एरिया है रूट के कांटेक्ट में अगर वहां से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं बेटा, तो फिर वो जो एरिया है ना, अब रूट तो वहीं पे मौजूद है, रूट तो वहां से हिल नहीं सकती सिवाय उसकी ग्रोइंग रीजन के जो कि आगे 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 फ्रेश सॉइल में चलती चली जाएगी जहां तक कि वो जा सकती है और जितना उस प्लांट की रूट जो है उसको अलाउ कर सकते हैं जितनी उसकी ग्रोथ हो सकती है, तो फ्रेश सॉइल में चली जाएगी। लेकिन आप जानते हैं ना कि मेच्योर जोन तो वहीं पे रहेगी, एलोंगेशन जोन तो वहीं पे मोर लेस वहीं पे है, तो व्हाट अबाउट दैट कि जो जो एरिया है जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को ले चुका है तो उसकी हालत अब पहले जैसी तो नहीं होगी ना, इसका उसकी हालत तो अब खराब होना शुरू हो जाएगी कि वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, तो उस एरिया को फिर हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन का। अगर कोई प्लांट किसी फ्रेश सॉइल में ग्रो करता है और वहां पे बहुत जल्द न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन बन जाती है तो उससे हमें पता चलता है कि ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, यानी कि इसने इतनी जल्दी से तेजी के साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को लिया है, टेकअप किया और उसके बाद उसने ग्रो किया। तो जितनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है उतनी ही तेजी के साथ उसका न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन भी जल्दी बन जाता है अगर ओवरऑल सॉइल की कंडीशन में न्यूट्रिएंट जो है वो ओवरऑल इतनी अच्छी हालत में नहीं है। बट न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन इतना आप कह लें कि छोटा रहेगा और कम रहेगा अगर क्या उसे कहते हैं कि एक तो रूट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही है, ठीक है, अगर तो एक्सटेंड कर रही है तो फिर तो वो आगे से आगे चलता जाएगा और डिप्लीशन जोन जो है वो भी एक्सटेंड करता जाएगा। जी तो इसको हम इसकी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन की, तो अमूमन जो है 0.2 से लेकर 2 मिलीमीटर तक कर जो रूट की सरफेस है ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन को जो है वो बनाती है। इसका डायग्राम भी आपको दिखाते हैं, ये ग्राफ है जिसमें हाई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी हो तो आप देखिए कि डिप्लीशन जोन जो है वो ज्यादा एक्सटेंड की हुई है कि आगे से आगे जो है वो जाई जा रहा है, लेकिन अगर लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो डिप्लीशन जोन वो कहाँ से उसको एक्सटेंड करेगा। तो इस वजह से फिर ये आप ये समझ लें कि दिस इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द रूट विद द सॉइल, और ये लो न्यूट्रिएंट लेवल्स में ये कम है और हाई न्यूट्रिएंट लेवल में वो ज्यादा से ज्यादा उसको एक्वायर कर लेगा, तो जो डिप्लीशन जोन है वो भी ज्यादा बनेंगे। जितनी ज्यादा डिप्लीशन जोन हो वो प्लांट की अच्छी ग्रोथ को भी डिपेक्ट करती है, या न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लांट कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये एक उसका आप कहने के करेक्टर है जिसके जरिए आप ये पहचान सकते हैं कि प्लांट अपनी प्रॉपर ग्रोथ है वो शो कर रहा है। इसके अलावा इस डिप्लीशन जोन से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक तो ये कि ये प्लांट के राइजोस्फीयर में बनती है और इफेक्टिव माइनिंग को ये रिप्रेजेंट करती है कि जहाँ पे आराम से रूट जो है वो उस अपने राइजोस्फीयर से माइन कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, तो वहीं पे ही डिप्लीशन जोन बनेगी। एंड ये इंडिकेट करती है बाय द रेट एट विच दे कैन रिमूव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन एंड बाय द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, एक तो ये कि प्लांट की ग्रोथ रुकी नहीं है और दूसरा ये कि वो कॉन्टिन्यूसली वहां से उसको रिमूव कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को, दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जोन जो है वो बनी है। विदाउट रूट ग्रोथ रूट वुड रैपिडली डिप्लीट द सॉइल adjacent to the soil surface, optimal nutrient acquisition therefore depends upon the capacity for the nutrient uptake and on the ability of the root system to grow into fresh soil. तो कितना जो है वो nutrients को root uptake कर सकती है ये depend करेगा कि आया number एक कि वो कितनी nutrients को लेने की सलाहियत रखता है, number two कितनी तेजी से वो जा सकता है into the fresh soil
कि जहां से फिर वो आगे से आगे आगे से आगे फ्रेश सॉइल से जाके वहां के भी न्यूट्रंट्स को अपने अंदर जो है उनकी अपटेक कर सके। तो ये रिलेट करती है न्यूट्रंट डिप्लीशन जोन से जो कि इसको इंडिकेट करवाएगा। तो जितनी ज्यादा न्यूट्रंट्स की अपटेक करेगा, जितनी ज्यादा तेजी से आगे जाएगा तो उतना ही डिप्लीशन जोन जो है वो बन जाएगा, और जितने कम न्यूट्रंट्स होंगे सॉइल में तो जाहिर है बेचारा टेकअप भी उसकी कमी करेगा, तो फिर न्यूट्रंट डिप्लीशन जोन भी कम एरिया की बनेगी, छोटी बनेगी। नेक्स्ट बेटा है कि ये तो है नॉर्मल कंडीशन के प्लांट की रूट है, प्लांट खुद है और सॉइल है, उसके अंदर न्यूट्रन मौजूद है और वो उनके टेकअप कर रहा है। व्हाट अबाउट के अगर प्लांट को कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए, और वो हेल्पिंग हैंड्स शायद हर एक प्लांट के पास तो नहीं होंगे, बट देयर आर नॉर्मल एग्जांपल्स जिनमें हम देखते हैं प्लांट्स की एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें माइकोराइजल फंजाई जो है काफी मशहूर है, और वैसे तो ओवरऑल न्यूट्रंट्स के लिए भी ये मशहूर है, लेकिन खास तौर पे जो अमूमन हमें डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलता है इन द सॉइल जो कि है फास्फोरस, तो फास्फोरस को एक्वायर करने के लिए कहा जाता है कि माइकोराइजल फंजाई का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है प्लांट को फास्फोरस देने में, ठीक है। और क्योंकि फास्फोरस की प्लांट को अक्सर ही आप समझ लें कि कमी ही रहती है और उसको एक्वायर करना मुश्किल होता है, तो एक तो ये है तरीकेकार प्लांट का कि वो अपनी रूट के रूट हेयर्स बनाता है और फ्रेश सॉइल में जाता है, और इस तरीके से वो अपना एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन या एरिया टू गेट न्यू न्यूट्रिएंट्स और द फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेना वो उसको बढ़ा लेता है इस तरीके से अपनी ग्रोथ के जरिए और रूट हेयर्स के जरिए। लेकिन अगर उसके साथ एसोसिएशन हो जाए फंजाई की, तो वो इस एसोसिएशन के जरिए और भी जगह को कवर कर सकता है फॉर द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोराइजा क्या होते हैं, हम जानते हैं कि दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि हम जानते हैं कवर्ड में इसलिए यूज करें कि हम प्लांट फिजियोलॉजी 1 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं जब हमने नाइट्रोजन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो बल्कि काफी सारी चीजें उसमें हमने पढ़ी थी। तो माइक्रोराइजा क्या है, दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट एंड द फंगस, और फंगस और रूट के दरमियान में होता है, हम इसको माइक्रोराइजा बोलते हैं। अबाउट कहा जाता है 83% डाइकोट एंड 79% ऑफ द मोनोकॉट्स, ये तमाम की तमाम माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है। इसका मतलब ये है कि देर आर सम फैमिलीज जो कि इस एसोसिएशन को फेवर नहीं भी करते, जैसा कि क्रूसीफिरा है या चिनोकोडियेसी है, स्पिनिश फैमिली है, या आप कह लें कि जो मैकेडेमिया नट्स फैमिली है, प्रोटीएसी फैमिली, ये माइकोराइजल एसोसिएशन को फेवर नहीं करती। इसके अलावा माइकोराइजा आर एब्सेंट ऑफ द रूट फ्रॉम द वेरी ड्राई वेरी सलाइन फ्लडेड सॉइल, यानी आप यूं समझ लें कि अगर नॉर्मल हालात से बिगड़ी हुई सॉइल अगर मौजूद है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश्की है, पानी की कमी है, या स्ट्रेस ज्यादा है सॉल्ट का, या पानी ज्यादा है, इन तमाम सूरतों में भी माइकोराइजा अपना एसोसिएशन बनाने को फेवर नहीं करती। और क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है न्यूट्रिएंट को लेना, तो न्यूट्रिएंट अगर पहले ही वो बेचारे किसी मुसीबत में जकड़े हुए हैं तो ये कहाँ से लेकर तो प्लांट को देगी, उल्टा इसके अपने मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दैट्स वाई इन इन एरियाज में आपको माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर एक्सट्रीम सॉइल फर्टिलिटी हो, यानी कि सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, आपके लिए बहुत अच्छी मिकदार में उसमें न्यूट्रंट्स मौजूद हैं, तो भी प्लांट को क्या जरूरत है भाई फिर माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाने की, वो तो बना रहा था इसके साथ इसलिए कि ये इससे न्यूट्रिएंट्स ले सके, और फंजाई बना रही थी कि मैं इससे कार्बोहाइड्रेट ले सकूं, फंजाई को तो फायदा है इस हालत में लेकिन प्लांट को फायदा नहीं है, तो फिर प्लांट इसको फेवर नहीं करता। तो इस सूरत एक्सट्रीम सॉइल फर्टिलिटी की सूरत में भी जो है वो आप कह लें कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं बनती। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक कल्चर, हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या होता है, पानी में जो है प्लांट्स का लगा होना, तो भाई न्यूट्रिएंट्स को फंजाई जो है वो माइन करके सॉइल से निकालती है और रूट को देती है। अब माइन करने के लिए कुछ है ही नहीं, पानी है, पानी के अंदर ही प्लांट लगे हुए, पानी के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, तो जो होंगे वो प्लांट खुद भी ले सकता है, तो व्हाट्स द नीड ऑफ फंगस। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर या एक्वाटिक एनवायरमेंट में भी माइकोराइजल जो एसोसिएशन है ये भी आपको सेल्डम, यानी कि बहुत ही शाजो नादर आप इसको देखेंगे, बल्कि आप इसको नहीं देखेंगे। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइकोराइजल फंजाई, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द माइकोराइजल फंजाई, फंजाई की काफी सारी आप कह लें कि फैमिलीज हैं जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन बना सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देर आर टू टाइप्स जो कि फंजाई को आप डिफाइन कर सकते हैं, तो टू टाइप्स उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, एक को हम बोलते हैं एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और दूसरे को हम बोलते हैं वेजिकुलर अल्बस्क्यूलर माइकोराइजा। मेरे ख्याल है आपने शायद
इसको पढ़ा होगा प्लांट पैथोलॉजी में और माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा होगा जी बेटा। जी तो उसी के लिहाज से अब डायरेक्ट मैं इसकी डायग्राम पे ले जाती हूँ। एक तो ये कि माइनर क्लासेस फंजाई की जो कि इस एसोसिएशन में पार्ट प्ले नहीं करती, उनमें हमारे पास है एरिकेसियस और ऑर्किडेसियस जो माइकोराइजा है वो पार्ट प्ले नहीं करती। तो एक्टोट्रॉफिक एंड वेजिकुलर आर्बस्कुलर जो माइकोराइजा है ये सिर्फ पार्ट प्ले करती हैं माइकोराइजल एसोसिएशन बनाने में। अब इन दोनों में क्या फर्क है, तो एक्टोट्रॉफिक का नेम इंडिकेट कर रहा है ऑन द आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड यानी कि ये बाहर बाहर रहती है, सेल के अंदर दाखिल नहीं होती, ये सेल के बाहर बाहर अपना जाल बिछाती है और जो जाल बनाती है उसको हम कहते हैं हार्टिंग नेट, सॉरी हार्टिंग नेट। और हार्टिंग नेट जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, और सेल के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं करती ये फंजाई। और जो इसका हाइफी जो बनते हैं ना, जो इसकी हाइफी वो ये नेट बनाते हैं, ये इतना आप कहने की एक्सटेंसिव होता है ये नेट, इतना हैवी होता है कि अमूमन ये जो एक्चुअल रूट का साइज होता है ना उससे भी ये बढ़ जाता है, यानी कि उससे भारी ज्यादा क्वांटिटी जो है वो फंगस की होती है, बजाय इसके कि रूट की अपनी भी उतने उतना वेट नहीं होता जितना फंगस का वेट हो जाता है। तो ये एक्टोट्रॉफिक फंजाई इस तरीके से इसको करती है। इसके अलावा एक्टोट्रॉफिक फंजाई जो है काम इसका वही है, फॉस्फेट को ये आप कहने के जो है माइंड करके और ये प्लांट को पहुंचाता है। लेकिन क्योंकि हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मैं चाहूंगी पहले हम ये देख लें कि दूसरी जो फंजाई है वो किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाती है और फिर दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी कि इन दोनों का फायदा क्या है। सो दिस वन इज अ डायग्राम, एज यू कैन सी हियर ऑन माय लेफ्ट साइड इट्स एक्टोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑन द राइट साइड इट्स वेजिकुलर आर्बस्क्यूलर। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल इसको समझना मुश्किल नहीं है। एज यू कैन सी हियर ये डेंस मास जो मैं आपको बता रही थी, एक्टोट्रॉफिक जो फंजाई है ये डेंस मास बनाती है और ये पेनिट्रेट करती है आउटसाइड ऑफ द सेल्स में, देखिए किसी भी सेल के अंदर ही नहीं, ठीक है, और कॉर्टिकल रीजन में आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा फैली हुई है कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, और इसके अलावा जो आउटसाइड है रूट का उसमें इसने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मास जो है वो बनाया हुआ है। तो ये जो सेल्स के दरमियान दरमियान में आपको ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये है हार्टिंग नेट है। ओके, उसके बरक्स जो है हमारे पास दूसरी जो फंजाई है वो कौन सी है जी, वो है हमारे पास वेजिकुलर आर्बस्क्यूलर। इसको हम वेजिकुलर आर्बस्क्यूलर क्यों कहते हैं, एक तो फर्क इसका दूसरी एक्टोट्रॉफिक से ये है कि ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करती है। अच्छा, सेल के अंदर जरूर पेनिट्रेट करती है लेकिन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी जो वैक्यूल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ही ना अपना वेसिकल जो है वो बना लेगी, उनके साथ ब्रांचेस बना लेगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक सेल के अंदरूनी आप कह लें कि उसके जो कॉन्टेंट्स हैं उनको मुकम्मल तबाह नहीं करती, उसके अंदर अपनी जगह बनाती है लेकिन उसको तबाह नहीं करती, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रक्चर जो है ये अंदर जाके बना सकती है, एक वेसिकल के फॉर्म में ये जो आपको ओवल शेप नजर आ रहा है और दूसरा ब्रांच्ड बनाती है। तो जो ब्रांच्ड है इसको हम कहते हैं आर्बस्क्यूल और जो अनब्रांच्ड है इसको हम कहेंगे वेसिकल। ये वेसिकल एक्चुअली क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं जो कि इसके रिप्रोडक्टिव स्पोर्स के तौर पर भी काम आते हैं, यानी स्पोर्स आपको पता है फंजाई जो स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करती है। और अगर आप इसका मास कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू एक्टोट्रॉफिक तो आप देख सकते हैं कि इसका मास इतना हैवी नहीं है एज कम्पेयर टू एक्टोट्रॉफिक, तो बल्कि ये जो रूट अपनी रूट के अपने वेट से भी काफी कम होता है, लेकिन ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और अंदर पेनिट्रेट करने की वजह से आप कह लें कि ज्यादा क्लोज किस्म की या ज्यादा इंटीमेट किस्म की एसोसिएशन जो है ये रूट के साथ बनाती है। अच्छा, चाहे अब एक्टोट्रॉफिक हो चाहे ये वेजिकुलर आर्बस्कुलर है, दोनों का फायदा ये है कि दोनों ही प्लांट को एक्स्ट्रा, यानी एक तो न्यूट्रिएंट प्लांट की रूट खुद भी अब्सॉर्ब कर रही है ना, उसके अलावा ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्सॉर्ब करके देती है। स्पेशली मैं ये नहीं कह रही कि बाकी नहीं करती, स्पेशली ये करती है फॉस्फोरस को, क्योंकि फॉस्फोरस की मैंने आपको बताया ना कमी रहती है, तो फास्फोरस को ये प्लांट को अब्सॉर्ब करके देती है। तो दैट्स व्हाई इसकी इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा है। और ओवरऑल मैंने इसका कंपैरिजन बता दिया तो मेरे ख्याल आप ये पढ़ना इसको मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्या ये न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने के बाद, फंजाई में अब्सॉर्ब होने के बाद प्लांट को ये देती कैसे है, ठीक है, तो इसके बारे में फिर काफी जो है ना आप कह लें कि क्लियर कट हमें अभी तक इसके बारे में नहीं पता कि आया ये किस तरीके से देती है।
ट्रॉफिक का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है वो सेल के साथ, लेकिन वेजिकुलर ऑर्बिस्क्यूलर के बारे में कहा जाता है कि ये जो इसके ऑर्बिस्क्यूल्स है ना और वेजिकल्स हैं, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो गए उसकी जगह न्यू बन गए, फिर वो डिकम्पोज हो गए उनकी जगह न्यू बन गए। तो जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनका सारा का सारा कॉन्टेंट जो है वो सेल को मिल जाता है, दैट्स वाई इस तरीके से वो सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई जारी रखते हैं। इसके अलावा इन रिटर्न माइकोराइजा को एसोसिएशन के जरिए फंजाई को क्या फायदा मिलता है, तो हमने ये पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी वन में कि फंजाई इन रिटर्न इनसे कार्बोहाइड्रेट लेती है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि जहां जहां पे फिर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे वहां वहां पे अगर फंजाई ने अटैक कर दिया प्लांट के ऊपर, अब मैं अटैक ही कहूंगी क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं तो प्लांट को जरूरत नहीं है माइकोराइजल एसोसिएशन की, तो अगर फिर भी फंजाई प्लांट की रूट के साथ इस एसोसिएशन को बनाने जारी रखेगी तो प्लांट फिर इस फंजाई को पैथोजन के तौर पर लेगा, हालांकि पहले इसको दोस्त मान रहा था, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट की इजाफी सूरत हाल है तो उस सूरत हाल में अगर ये फंजाई एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेगी तो प्लांट किल करने की कोशिश करेगा और उसको ऐसे ही लेगा जैसे वो किसी भी और पैथोजन फंजाई को लेता है और उसको अपने साथ अटैच होने नहीं देता। बट अगर दोनों का फायदा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो फिर ये उससे कार्बोहाइड्रेट लेती रहेगी और प्लांट उसको न्यूट्रिएंट लेता रहेगा। और नुकसान क्या है कि क्यों ये इसको पैथोजन के तौर पर लेगी, क्योंकि देखिए अब न्यूट्रिएंट तो उसको चाहिए नहीं जिसने देने थे, उल्टा ये प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेती रहेगी, तो प्लांट तो ये फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना कि मैं लूं कुछ भी ना और अपने इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि वो बना रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस उसको देता जाए, तो इस वजह से फिर ये इसको एज पैथोजन जो है वो कंसिडर करेगी और इसको वहां से रिमूव कर देगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, मेरे ख्याल इतना काफी है क्योंकि अगला जो टॉपिक अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो फिर थोड़ा ज्यादा समझाने वाला है और फिर वो आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ तक तो हमने जो बातें कर ली है मिनरल न्यूट्रिशन की वो ये कि मिनरल्स हम किनको कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और प्लांट को एक आर्टिफिशियल तरीके से या ऑर्गेनिक मेन्योर के जरिए या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जरिए अगर आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो उसका क्या फायदा होता है प्लांट को, और फिर हमने देखा कि ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर कैसे दाखिल होते हैं और नेचुरल तरीके से दाखिल होने के अलावा क्या कोई सपोर्टिव मैकेनिज्म भी है, जिससे हमने माइकोराइजा को देखा कि किस तरीके से माइकोराइजा इन न्यूट्रिएंट्स की अपटेक के लिए प्लांट को सपोर्ट कर सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जब ये रूट के अंदर दाखिल होते हैं एट द टाइम ऑफ द एंट्री इनटू द इंडिविजुअल सेल, एक न्यूट्रिएंट कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, पोटासियम है, ये जब सेल के अंदर दाखिल होता है तो उस टाइम पे कौन सा चैनल, कौन सा पंप, कौन सी प्रोटीन उनको रास्ता प्रोवाइड करती है और क्या वो हर जगह पे मौजूद है या नहीं और वो कैसे काम करती है और वो कितनी टाइप्स की होती है, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा मिनरल न्यूट्रिशन का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। जी आज ही कर दूंगी।